जो किसी से बात मनवाना चाहते हैं, रिश्ते की हाँ करवाना चाहते हैं, या घर के मामलात को ठीक करने के लिए किसी की भी हाँ ज़रूरी है। सलाम अलैकुम, मैं आपके शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। आप मुलाजमत करते हैं, आप जॉब करते हैं, अपने बॉस से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, या प्रमोशन करवाना चाहते हैं, या घर के किसी फर्ज से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, या जहां आप काम करते हैं उन मालिकों से कोई बात मनवाना चाहते हैं, गर्ज है कि किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। इस वजीफे को यकीन के साथ कर लें, जिसे भी आप बात मनवाना चाहते हैं वो बात मान जाए। अमल शुरू करने से पहले हस्ब तौफीक सदका खैरात लाजमी करें, और अमल के खात्मे पर भी सदका खैरात कर दिया करें ताकि अमल के असरात फौरन ज़ाहिर हों, आपके दिल में तसल्ली हो। अमल का तरीका ये है, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए जो किसी से बात मनवाना चाहते हैं, कोई मसला हल करना चाहते हैं, तो कोई रिश्तेदारी का मामला है तो रिश्ते की हाँ करवाना चाहते हैं, या घर के मामलात को ठीक करने के लिए किसी की भी हाँ ज़रूरी है। आपका ये वीडियो शेयर करना आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। आपके वीडियो शेयर करने से उनका मसला हल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, अगर मुनासिब समझें तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शबे जुमा जुमेरात का दिन गुजार कर जो रात आएगी बाद नमाज इशा किसी ऐसी जगह बैठ जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे, मुकम्मल तन्हाई हो। लपा के तो मुबारक नाम या रहमान हो या रहीम हो, बारिश के पानी पर 300 बार अव्वल आखर 7 बार दरूद शरीफ पढ़कर दम कर दें। इस अमल को लगातार 3 दिन तक कर लें, उसके बाद जिससे भी आप बात मनवाना चाहते हैं, आप इस अमल को मिठाई पर भी दम कर सकते हैं, आप इस अमल को ऐसे भी दम कर सकते हैं कि पढ़ने के बाद इससे बात मनवानी हो उसका तसव्वुर करके उस पर थोक दें। अगर आपने पानी पर दम किया है तो वो पानी उसको सुबह शाम पिलाना शुरू कर दें। अगर मिठाई पर दम किया है उसे मिठाई खिलाएं। अगर तसव्वुर में दम किया है तो इस अमल को लगातार 7 दिन तक करें, इंशाअल्लाह आपकी बात मानी जाएगी और यकीनन मानी जाएगी। जब आपका काम हो जाए, जब आपकी बात मानी जाए, किसी एक गरीब मस्कीन फकीर यतीम को पेट भर कर खाना खिला दीजिएगा। आप इस अमल को करें और फैज़ पाएं। मेरी दुआ है कि खिलते फूलों की तरह सदा हंसते मुस्कुराते रहें।